मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेब का हलवा। ये बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सेब का हलवा कैसे बनता है। एप्पल का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 4 एप्पल ले लिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने 5.5 एप्पल को ग्रेट कर लिया है। आप इसे उसी समय ग्रेट करें जिस समय आपको हलवा बनाना है, बस आप इसको कद्दूकस से कस के और उसी समय तुरंत बना लें, नहीं तो अगर आप छोड़ेंगे इसे थोड़ी देर भी तो ये काला पड़ जाएगा। और बीच का जो बीज वाला हिस्सा है, आप ये हर तरफ से इसे घुमा घुमा के घिस ले और बीज के हिस्से को छोड़ दे जहां पे बीज होती है। ये हिस्सा छोड़ देना है। ये सारे सेब मैंने कद्दूकस कर लिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी डाल लेंगे। 2 बड़े चम्मच घी लेने हैं और घी को पिघलने देते हैं। घी जब गर्म हो जाए थोड़े से काजू हम लेंगे और इसमें हल्का सा भून लेंगे। काजू भून गया, हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हमने जो सेब को कद्दूकस करके रखा है वो सारे डाल देंगे और इसे भूनेंगे। अच्छे से भूनना है इसे चलाते हुए, जिससे कि ये पकड़े भी नहीं और अच्छे से हर तरफ से भून जाए। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है जब तक ये पानी जो है हलवा आपका थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाए, तब तक इसे भूनना है और इसके पानी को सुखाना है पहले। जो भी अच्छी तरह भून जाएगा तो घी जो है वो खुद ब खुद साइड हो जाएगा इसमें से। ये देखिए, ये हलवा का जो है सारा पानी सूख गया है, सेब का सारा पानी। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 1/2 किलो सेब है तो इसमें हम 250 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और चीनी को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर,
अब हमें इसे कितनी देर और इसे पकाना है, जितनी देर बस चीनी और इलायची पाउडर जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे काजू जो हमने भून के रखा था, वो इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाएं नहीं तो नहीं। फूड कलर मिलाने से इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, देखने में हलवा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पे डिपेंड है कि आप फूड कलर मिलाना चाहें या नहीं। दो मिनट और पका लेते हैं। ये सेब का हलवा बनके तैयार हो गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं।